हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबरट्रॉन सीजन 2 के कुछ डिटेल के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने सीजन 1 के एंड में ही देखा था कि कहीं ऑलस्पार्क मेगाट्रॉन के हाथ ना लग जाए, इसलिए ऑप्टिमस प्राइम ऑलस्पार्क को पकड़ के स्पेस ब्रिज में कहीं फेंक देता है, यानी कि अभी के टाइम पे ऑलस्पार्क यूनिवर्स में कहीं पे होगा। और उसके कुछ टाइम बाद ऑप्टिमस प्राइम आर्क शिप में बैठ के वहाँ से चला जाता है, और फिर हम देखते हैं कि आर्क शिप स्पेस में कहीं तैर रही है, और अचानक से उस शिप के करीब एक और शिप आ जाती है और यहीं पे सीजन खत्म हो जाता है। तो सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो शिप है आर्क, उसके करीब एक और शिप आ रहा है जो कि असल में बाउंटी हंटर्स का शिप है, और ये बाउंटी हंटर्स ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम को पकड़ के क्विंटेसोंस के पास ले जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि क्विंटेसोंस कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि क्विंटेसोंस एक एलियन प्रजाति है जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, इतनी ज़्यादा एडवांस कि यूनिवर्स में इधर उधर घूमते रहते हैं और नई नई एलियन स्पीशीज से डील करते हैं, नहीं तो उन्हें क्रिएट करते हैं। और आप क्विंटेसा को तो जानते ही होंगे, जिसे कि आपने ट्रांसफॉर्मर्स दी लास्ट नाइट में देखा है। क्विंटेसा भी क्विंटेसोंस की एक मेंबर है, और वो ये भी बोलती है कि ट्रांसफॉर्मर्स को किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने बनाया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम बड़े ही आराम से क्विंटेसोंस के चंगुल से बच के निकल जाती है। और उसी के अपोजिट हम ये भी देखते हैं कि अब साइबरट्रॉन प्लैनेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे ऑलस्पार्क नहीं है और बिना ऑलस्पार्क के साइबरट्रॉन प्लैनेट नहीं चल सकता। और साइबरट्रॉन प्लैनेट पर हम मेगाट्रॉन को भी देखते हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है जिस प्रोजेक्ट का नाम होता है नेमेसिस। और हमने इससे पहले टीवी सीरीज और मूवीज में भी देखा है कि नेमेसिस, जिसे कि नेमेसिस प्राइम भी कहा गया है, वो असल में ऑप्टिमस प्राइम का एक इविल वर्जन है, लेकिन इस सीरीज में ऐसा नहीं है। असल में प्रोजेक्ट नेमेसिस के थ्रू मेगाट्रॉन एक स्पेसशिप बना रहा है ताकि वो ऑलस्पार्क को ढूंढ सके। और इसी के अपोजिट हम ये भी देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम ऑलस्पार्क को ढूंढते ढूंढते एक स्पेस ब्रिज के पास आ गया है, लेकिन उस स्पेस ब्रिज में एक शिप पहले से फंसा हुआ है। तो पहले ऑप्टिमस प्राइम को उस शिप को निकालना होगा, तभी जाके वो स्पेस ब्रिज का यूज कर सकते हैं। और जब वो इस शिप को निकाल रहा होता है, तो तभी वहाँ पे मेगाट्रॉन भी आ जाता है, और मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम के बीच में लड़ाई हो जाती है। और जब लड़ाई के बाद ऑप्टिमस प्राइम अपनी शिप में होता है, तभी अचानक से वो एक डेड यूनिवर्स में चला जाता है। दरअसल ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में डेड यूनिवर्स एक पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ की सब कुछ मरा हुआ है, और वहाँ पे कोई भी स्पेस टाइम रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और वहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम की मुलाकात स्काईलिंग से होती है। उसके बाद हमें स्काईलिंग का पास्ट भी दिखाया जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब स्काईलिंग मेगाट्रॉन की तरह घमंडी हुआ करता था, और वो भी सत्ता पाना चाहता था। और इसी दौरान उसकी अल्फा ट्रायन से लड़ाई भी होती है मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप के लिए, लेकिन अल्फा ट्रायन बड़े ही चालाकी से स्काईलिंग को डेड यूनिवर्स में भेज देते हैं। लेकिन अब इतने साल डेड यूनिवर्स में बिताने के बाद अब स्काईलिंग को अकल आ गई है, और वो फिर ऑप्टिमस प्राइम को गाइड करता है। और इसी के अपोजिट मेगाट्रॉन भी डेड यूनिवर्स के अंडर आ जाता है, और यहाँ पे उसकी मुलाकात उसी के फ्यूचर वर्जन यानी कि गैल्वेट्रॉन से होती है, और गैल्वेट्रॉन उसे भड़काता है और उसकी डार्क एनर्जी को और ज़्यादा तेज कर देता है। और इसके बाद हम देखते भी है कि मेगाट्रॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और इसके बाद हमें यूनिक्रॉन की झलक भी देखने को मिलती है, जो कि गैल्वेट्रॉन को वापस बुला लेता है, क्योंकि गैल्वेट्रॉन यूनिक्रॉन का एक सेवक है। और गैल्वेट्रॉन जाते जाते मेगाट्रॉन को एक गोल्डन डिस्क दिखाता है, और उसे बोलता है कि तुम्हें इसे ढूंढना होगा। इस गोल्डन डिस्क के बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। और जैसे ही ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन उस डेड यूनिवर्स से बाहर आते हैं, तो मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम के जान के पीछे पड़ जाता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम को मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे आके बम्बलबी ऑप्टिमस प्राइम को बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जिस ऑलस्पार्क की तलाश कर रहे हैं, वो कहीं और नहीं बल्कि धरती पर है। और जैसे ही उनकी शिप धरती पर गिरती है, तब वो वहाँ पर डायनोबॉट्स को भी देखते हैं। मुझे लगा था कि यहाँ पे तब का अर्थ दिखाया जाएगा जब इंसान अर्थ पे रहते थे, लेकिन इस सीरीज में ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है। इस सीरीज में तब का अर्थ दिखाया जा रहा है जब यहाँ पे डायनासोर्स का राज चलता था, और यहाँ पे हमें डायनोबॉट्स भी देखने को मिले। इससे पहले हमने डायनोबॉट्स को ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन में देखा था, और फिर यहीं पर सीरीज खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम इस सीरीज़ के कुछ थ्योरीज और सीजन 3 के प्रिडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वेट्रॉन और मेगाट्रॉन के रिलेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैल्वेट्रॉन कोई और नहीं, मेगाट्रॉन का फ्यूचर वर्जन है जो कि मेगाट्रॉन को वार्न करने आया है। और वो जो गोल्डन डिस्क उसने दिखाई थी, उस गोल्डन डिस्क में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि मेगाट्रॉन अपने आने वाले बुरे फ्यूचर को चेंज कर सकता है, जिसके कि गैल्वेट्रॉन ने उसे चेतावनी दी ही है। तो असल में यहाँ पे होगा कुछ ऐसा कि इसके सीजन 3 में मेगाट्रॉन बुरी तरीके से हार जाएगा ऑप्टिमस प्राइम से, फिर उसको मजबूरी में ही सही लेकिन यूनिक्रॉन के पास जाना पड़ेगा,
और यूनिक्रॉन मेगाट्रॉन को अपना सेवक बना लेगा और उसे अपडेट कर देगा और तब वो बनेगा गैल्वाट्रॉन। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि गैल्वाट्रॉन कोई और नहीं बल्कि मेगाट्रॉन का फ्यूचर वर्जन है और गैल्वाट्रॉन जैसे जैसे करके टाइम में पीछे आके मेगाट्रॉन को वार्न करने आया है और इसीलिए उसने मेगाट्रॉन को वो गोल्डन डिस्क दी है, क्योंकि इस गोल्डन डिस्क में कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि मेगाट्रॉन आने वाले फ्यूचर को चेंज कर सकता है, यानी कि वो अपने फ्यूचर को। और अब मेगाट्रॉन को इस गोल्डन डिस्क को ढूंढना है ताकि वो अपने फ्यूचर को चेंज कर सके। और इसी के अपोजिट हम ये भी बात कर लेते हैं कि इसके सीजन 3 में होगा क्या। पहले तो ये बता दिया गया है कि इसका जो सीजन 3 है उसका नाम होने वाला है किंगडम, और यहाँ पे हमने डायनोबॉट्स को भी देखा था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ये डायनोबॉट्स आखिर अर्थ पे आए कैसे, तो ये तो हमें सीजन 3 में ही पता चलेगा। हम बस एक फैन थ्योरी लगा सकते हैं कि जिस तरीके से प्रेडिकॉन्स धरती पर आए थे, यानी कि मेगाट्रॉन ने लड़ाई के वक्त प्रेडिकॉन्स को धरती पर भेजा था, शायद उसी तरीके से लड़ाई के वक्त ये डायनोबॉट्स धरती पर आ गए होंगे और तभी वो यहाँ पर राज कर रहे हैं इतने लंबे टाइम से। और आने वाले सीजन 3 में हमें इन्हीं तीनों के बीच में लड़ाई दिखाई जाने वाली है, डायनोबॉट्स, ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में। और यहाँ पे मेगाट्रॉन जीतेगा या हारेगा ये हमें आने वाले टाइम में यानी कि सीजन 3 में पता चलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।